नमस्कार दोस्तों, वापस आ गए आप। थैंक यू वेरी मच फॉर येट अनदर वीडियो ऑफ फैंटेसी गली। ये है मैच नंबर 43। एक बार फिर से देख लो। जी हाँ बिल्कुल, ये वही मैच है जो खेला जाएगा राजस्थान और बेंगलोर के बीच में, या राजस्थान और बेंगलुरु के बीच में। राजस्थान जो जिन्हें अभी हार का सामना करना पड़ा था हैदराबाद के विरुद्ध, और बेंगलुरु जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी मुंबई के विरुद्ध। तो आपको मोमेंटम पता है किस तरह शिफ्ट हो रहा है। राजस्थान भले ही किसी और टीम से हार जाती, लेकिन अपने कुछ पॉइंट्स पायदान में अपने से नीचे वाले टीम से हारने का दर्द उन्हें बहुत सता रहा होगा। तो आपको इस वीडियो में क्या क्या कुछ ऐसा दर्द नहीं सताएगा, हम आपको जरूर बताएंगे कि आप फैंटेसी में किस तरह से जीत हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो पिच रिपोर्ट आपको बता दी जाएगी कि किस तरह की बोलर्स इस पिच पे आपको ज्यादा पॉइंट्स और किस तरह के बैट्समैन आपको ज्यादा पॉइंट्स दिलाएंगे। फिर उसके बाद कौन सी टीम से आप ज्यादा प्लेयर्स ले सकते हैं, क्योंकि जैसे कि पॉइंट्स टेबल भी दिख रहा है, बैंगलोर एक तरफ है, राजस्थान दूसरी तरफ है, तो क्या बैंगलोर से ही सभी प्लेयर्स लेना, यानी 7 प्लेयर्स लेना लाजमी होगा। और फिर कुछ कुछ चुनिंदा प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि क्या एबी डिविलियर्स आपके टीम में फिट बैठते हैं, क्या लायन लिविंगस्टोन आपकी टीम में फिट बैठते हैं, वगैरह वगैरह। अंत में एज यूजुअल कैप्टन और वाइस कैप्टन के डिस्कशन जरूर होंगे, तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं कार्तिक अय्यर आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें, ये मैच है शारजा में। अब शारजा की अगर बात की जाए तो वैसे तो माफ कीजिएगा, दुबई में है, शारजा में नहीं, दुबई में है। तो दुबई की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही बैलेंस्ड पिच रहता है बैटिंग के लिए भी और बोलर्स के लिए भी। यहाँ पर 68% विकेट जो है वो पेसर्स यानी तेज गेंदबाजों ने निकाल कर दिए हैं। लेकिन जिस तरह से टूर्नामेंट का रुख बदल रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद स्पिनर्स का बोलबाला अब होने वाला है। तो ये अच्छा होगा कि अगर आप अपने टीम में स्पिनर्स भी इक्विवेलेंट ही रखें जितने आप फास्ट बॉलर्स रख रहे हैं। मान लीजिए अगर आप 4 बॉलर रख रहे हैं तो 2 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी आप रख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे प्लेयर्स की तरफ। नहीं, उसके पहले इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर बैंगलोर जो है फुल कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगी इस पर्टिकुलर मैच में, क्योंकि मुंबई जैसी टीम पर उन्होंने जीत हासिल की हुई है, प्लस मिडिल ऑर्डर में थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन मिली थी कि सिर्फ विराट कोहली नहीं परफॉर्म थी, यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल ने भी अपना जलवा दिखाया, तो बैटिंग थोड़ी और कॉन्फिडेंट हो गई रही। और जिस तरह से गेंदबाजी हुई थी ना, वो तो भाई कॉन्फिडेंट हो ही गई होगी कि अब हम किसी भी टीम के बल्लेबाजों का सामना कर सकते हैं। तो हमारी सलामती माफी, हमारी सलाह यही है कि आप बैंगलोर की टीम में से ज्यादा प्लेयर्स ले, और क्योंकि आप बैंगलोर की टीम में से ज्यादा प्लेयर्स ले रहे हैं, आप चाहे मीडियम रिस्क स्ट्रैटेजी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी नॉट नेसेसरली कि लो रिस्क, आप हेड टू हेड जरूर खेलेगा, लो रिस्क भी खेलेगा, लेकिन मीडियम रिस्क टीम में भी आप कॉन्टेस्ट में भी आप अपनी टीम बना सकते हैं। तो क्या होगी आपकी टीम, चलिए देखते हैं हमारे बैट्समैन की तरफ या फिर हमारे प्लेयर्स की तरफ। तो फिर सबसे पहले तो आएंगे विकेट कीपर्स। अब कुछ कुछ फैंटेसी साइट्स में विकेट कीपर्स है संजू सैमसन एंड एबी डिविलियर्स, या और कुछ कुछ साइट्स में विकेट कीपर सिर्फ संजू सैमसन है और एबी डिविलियर्स प्योर बैट्समैन है। और जिस तरह से टूर्नामेंट चल रहा है ऐसी लग रहा है, इसलिए कोना स्टिकर भरत को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि एबी डिविलियर्स को कीपिंग नहीं करना है। और ये अभी से ही नहीं, काफी टाइम से मुझे नजर आ रहा है कि कीपिंग करने में थोड़ी दिक्कतें जरूर हो रही हैं। तो हो सकता है कोई कोई साइड्स आपको एबी डिविलियर्स ऐसा बैट्समैन ऑप्शन दे, लेकिन अगर ऐसा कीपर ऑप्शन दे रहे हैं और एक ही कीपर की ऑप्शन हो, तो फिर हम सजेस्ट करेंगे कि आप संजू सैमसन के साथ ही जाए। जी हाँ, एबी डिविलियर्स को आप नकार सकते हैं, और वो इसलिए है कि वो ही नहीं, ऐसे काफी सारे दिग्गज प्लेयर हैं इस इंडियन टी20 लीग में जिन्हें अपना लय अभी तक मिला नहीं है, एबी डिविलियर्स उनमें से एक है। तो हो सकता है उन्हें थोड़ा और टाइम लगे उस लय को प्राप्त करने में, हालांकि एक ही पारी की आवश्यकता होती है उस लय को बदलने में, हो सकता है ये पारी हुई हो, लेकिन जिस तरह से उनका फॉर्म चलता आ रहा है, हमें लगता है एबी डिविलियर्स को आप अपनी अगर टीम में रखेंगे तो वो रिस्की स्ट्रैटेजी होगी। बाकी आप तो आप अपने आप को बेहतर जानते ही हैं कि आपकी बजट कैसी है और आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है, उस हिसाब से अपनी अकल जरूर ऑन करें और फिर लॉजिक लगाकर अपनी टीम
बना ले। फिलहाल विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन का मैं नाम लेना चाहूंगा। संजू सैमसन जिन्होंने लास्ट मैच में 129 पॉइंट्स लाए थे, ड्रीम टीम के कप्तान थे, उसके पहले वाले मैच में भी ड्रीम टीम के कप्तान थे 106, और अगर वो बीच में एक मैच छोड़ दिया जाए पंजाब के विरुद्ध, हैदराबाद और मुंबई के विरुद्ध भी उन्होंने काफी अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। हाँ, राजस्थान की प्रॉब्लम ये है कि उनके अलावा कोई और ज्यादा पॉइंट्स दे नहीं रहा है, लेकिन इसलिए आप क्यों इन्हें अपनी टीम से बाहर निकालना चाहेंगे? बिल्कुल आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हैं। बढ़ते हैं बल्लेबाजों की तरफ। एक नाम तो डेफिनेटली है विराट कोहली, 80, 89, 56 ये है इनके परफॉर्मेंसेस, जैसे कि आप ग्राफ देख सकते हैं, और 10 की क्रेडिट है, 8.4 की फैंटेसी गली रेटिंग है, प्लस ओपनिंग बैट्समैन है, तो ओपनिंग आते हैं तो नई गेंद का सामना इन्हें करने मिलता है। नई गेंद जब आती है हार्ड होती है, बल्ले पर अच्छी तरह आती है, और पहले 6 ओवर में इन्हें मैक्सिमम स्ट्राइक मिल जाता है देवदत्त पड़िक्कल के साथ। तो हाँ, इनके साथ में एक और नाम लेना चाहूंगा, वो है देवदत्त पड़िक्कल। कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पहला सीजन चला या फिर लास्ट ईयर चल रहा था, उस हिसाब से नहीं चले हैं देवदत्त पड़िक्कल, थोड़ा फॉर्म जो है कम हो गया है, लेकिन आप इन पर भरोसा जरूर कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले खेले में ज्यादा भरोसे करने लायक कोई प्लेयर है नहीं। अब यशस्वी जायसवाल है, जी हाँ, आप उन्हें बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं अपनी टीम में। उनका प्रॉब्लम यह है कि वो स्टार्ट्स लेकर आउट हो जाते हैं, 8.5 की क्रेडिट है और 8 की फैंटेसी गली रेटिंग है, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने दिखाया कि अगर वो थोड़ा इंटेंट जरा दिखाते हैं तो फिर कंसिस्टेंसी जो है उनके साथ आ जाती है, और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको कंसिस्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब बात यह है कि क्या आप एविन लुइस को अपनी टीम में लेना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आप ले सकते हैं एविन लुइस को अपनी टीम में। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि क्या राजस्थान ये स्ट्रैटेजी रख सकता है कि लायम लिविंगस्टोन को आपने 3 मौके दे दिए और तीनों में वो फ्लॉप हो गए हैं। चलिए ठीक है, ग्लेन फिलिप्स ये भी लायम लिविंगस्टोन के साथ द 100 में खेल रहे थे, द 100 जो इंग्लैंड का लोकल टूर्नामेंट था अभी 1-2 महीने पहले, तो वहां पर ग्लेन फिलिप्स भी चले थे और लायम लिविंगस्टोन भी चले थे। अब लिविंगस्टोन को आपने इधर मौका दे दिया, तो क्या राजस्थान ग्लेन फिलिप्स को वो मौका देगा? ठीक है, अगर मैं उनके क्रेडिट्स पे जाऊं तो 8.5 की क्रेडिट है और 6.1 की फैंटेसी गली रेटिंग है, तो ये जो है ना, ये आपको थोड़े सस्ते भाव में आएंगे और अच्छा टिकाऊ का भी ऑप्शन देते हैं। वैसे एविन लुइस भी गंदे ऑप्शन नहीं है, ये अलग बात है कि पिछले मैच में वो चले नहीं, वो आउट हो गए, और वो गंदे बॉल, माफ कीजिएगा, अच्छे बॉल पे आउट हुए, उन्होंने खराब शॉट खेलकर जहां पर फील्डर था वहीं पर शॉट मारकर कैच आउट हो गए थे। अन्यथा एविन लुइस फॉर्म में ही लग रहे हैं, काफी टाइम से 9 की क्रेडिट है और 7.5 की फैंटेसी गली रेटिंग है। चलिए, ये हो गए हमारे विकेट कीपर्स और बल्लेबाज। अब ऑलराउंडर्स की तरफ आते हैं, तो अब ग्लेन मैक्सवेल का नाम उभर कर आ गया है, क्योंकि सीधी सी बात है पिछले मैच में 154 का उन्होंने अंक दिलाया था, ड्रीम टीम के कैप्टन थे, 9.5 की क्रेडिट, 8.2 की फैंटेसी गली रेटिंग, लेकिन मेरा मानना अभी भी यही है कि ग्लेन मैक्सवेल पर उम्मीद रखना कि बहुत ही रिस्की है, सिर्फ एक इनिंग्स की बदौलत, थोड़े 2-3 इनिंग्स जाने दीजिए और फिर आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप इन्हें टीम में जरूर रख सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी चली ना चली विराट कोहली ने गेंदबाजी जरूर देंगे, क्योंकि 2 मैच में ऐसे विकेट्स लेते आ रहे हैं ये तो, और पिछले मैच में तो अच्छी खासी बॉलिंग की थी, 4 ओवर डाले थे इन्होंने, 2 विकेट हासिल किए थे, तो ग्लेन मैक्सवेल का बॉलिंग फॉर्म आपको जरूर पॉइंट्स दिलाने में मदद करेगा। अब दूसरे ऑलराउंडर्स के तौर पर एक ऑप्शन है जरूर क्रिस मॉरिस, लेकिन कुछ चले नहीं है क्रिस मॉरिस अभी तक इस पर्टिकुलर सीजन में, ना बॉल के साथ और बैटिंग में उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि जब तक आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए तब तक हार्डली कुछ बचता है। चाहिए तो आप क्रिस मॉरिस के जगह पर राहुल टेवाटिया पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बैटिंग टाइम भी ज्यादा मिलता है और गेंदबाजी भी 4 ओवर मिलती ही मिलती है, और डिसेंट रिटर्न्स है। अगर पिछले 4 मैचों में 3 मैच में देखें तो 40, 31, 25 कम थोड़ी बढ़ती जा रही है, 25, 31, 40, लेकिन फिर भी आप इन पे भरोसा जरूर कर सकते हैं क्रिस मॉरिस के जगह पर। तो दोस्तों, ये थी हमारे ऑलराउंड प्लेयर्स के सजेशंस। अब आते हैं हमारे गेंदबाजों की तरफ। अब सबसे पहला सवाल यही है कि आपको इस मैच में बल्लेबाजों का साथ ज्यादा देना चाहिए या फिर गेंदबाजों का साथ ज्यादा देना चाहिए। मेरे हिसाब से बल्लेबाजों पे इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की होगा, क्योंकि आप 4 बल्लेबाजों तक ज्यादा तक जा सकते हैं, उनमें से आप नाम भी ले लेता हूं, सैमसन पर आप भरोसा कर सकते हैं, कोहली पर आप भरोसा कर सकते हैं, जायसवाल पर भरोसा कर सकते हैं, ये 3 तो हो गए।
अब आपके एविन लुइस, चलिए ये भी भरोसेमंद है, लेकिन क्या देवदत्त पड़िक्कल कंसिस्टेंटली आपको पॉइंट्स दे रहे हैं? इनको भी अगर आपने रख लिया तो आप एक ऑलराउंडर के साथ चाहिए, चाहे तो ग्लेन मैक्सवेल या फिर राहुल टेवाटे, दोनों में से कोई एक, तो आपके पास फिर चार बॉलर्स लेने के ऑप्शन बन जाते हैं। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा करना, ये सिर्फ मैं ऐसा कर कह रहा हूँ। तो गेंदबाजों में सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा हर्षल पटेल। ये तो सुपरस्टार बन गए हैं, अब लीडिंग विकेट टेकर है इस श्रृंखला के, 148 पॉइंट दिए थे उन्होंने पिछले मैच में, ड्रीम टीम के वाइस कैप्टन थे, और उसके पहले 57 अंक दिए थे। ये मिनिमम आपको 50 से 75 पॉइंट्स देते हैं, ये हर मैच में 2 से 3 विकेट ले ही रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो इन्हें आप अपनी टीम में जरूर रख सकते हैं। दूसरा नाम एक है, वो है युजवेंद्र चहल, अंडररेटेड प्लेयर, मुंबई के साथ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, 117 अंक इन्होंने दिलाए थे और मुंबई को बीच ओवर्स में यहाँ पर रोका गया था, और रोका था, और वही हमें शायद इस टूर्नामेंट में देखने मिलेगा कि जो मिडिल ओवर्स होते हैं ना, ओवर 7 से लेके 15 या 16 तक, वहां पर आपके स्पिनर्स जो है अच्छे चल सकते हैं, तो युजवेंद्र चहल एक बार फिर अपनी लय जो है प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा नाम है चेतन साकरिया, ये भी अच्छे गेंदबाजी लय में गेंदबाजी कर रहे हैं, 29, 62, 35, तो इनमें ऐसा कुछ अभाव ऐसा नजर नहीं आ रहा है। फिर भी इनके अलावा अगर हम एडिट टीम में जाएंगे और कुछ बॉलर्स पे फोकस करेंगे तो देखते हैं ऐसे कौन ऐसे प्लेयर है। जी हाँ, एक बॉलर है ऐसे, काइल जेमिसन, शांत रहे हैं पिछले 2 मैचों में, लेकिन इन पे आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें अगर थोड़ा बाउंस मिल गया, दुबई बैलेंस पिच मानी जाती है बैट्समैन और बॉलर्स के लिए, तो अगर थोड़ा बाउंस मिल गया तो ये आपको विकेट्स निकाल कर दे सकते हैं। ये थे काइल जेमिसन, और एक और बॉलर है मुस्तफिजुर रहमान, 37 और 66, ये है इनके लास्ट 2 मैचेस पर परफॉर्मेंस, और 95 पॉइंट, तो पिछले 4 मैचों में 3 मैच में इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। और पिछले मैच में हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक कैच ड्रॉप हुआ था जेसन रॉय का यशस्वी जायसवाल द्वारा, इनके ही गेंदबाजी पर, यानी मुस्तफिजुर के ही गेंदबाजी पर, नहीं तो शायद इन्हें एक से ज्यादा विकेट्स जरूर मिल जाते, और एक तो जबरदस्त कॉटन बोल्ड करी थी इन्होंने, तो इसलिए मुस्तफिजुर रहमान अच्छे फॉर्म में है, आप इनके फॉर्म का जरूर फायदा उठा सकते हैं। इनके अलावा कोई और बॉलर ऐसे मुझे नजर नहीं आ रहे, कार्तिक त्यागी है एक, लेकिन वो आपको विकेट्स नहीं दिला रहे, ये बॉलिंग तेज तरार कर रहे हैं, लेकिन वो जो विकेट्स की जरूरत है वो नहीं आ रही है, इसलिए कार्तिक त्यागी आप अगर को आप अपनी टीम में रखें तो थोड़ी बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी होगी। तो दोस्तों ये थी हमारे प्लेयर सजेशंस, अब बढ़ते हैं हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन सजेशंस की तरफ, उसके लिए हमारे मैच टिप्स के सेक्शन में अगर आप आएंगे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल ये है हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक्स, हर्षल पटेल, संजू सैमसन, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और यशस्वी जायसवाल। उसमें अगर आप सेफ कैप्टन का नाम ले तो मैं नाम लेना चाहूंगा विराट कोहली और संजू सैमसन, क्योंकि ये आपको रेगुलरली रन देते आ रहे हैं। जी हाँ, संजू सैमसन अब काफी कंसिस्टेंट होने लग गए हैं, ये इनका शायद बेस्ट सीजन रहा है इंडियन T20 लीग का, तो आप इन दोनों को सेफ कैप्टन बना सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल आप बना सकते हैं कैप्टन, लेकिन अगेन रिस्की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत ही अच्छी पारी खेली थी पिछले मैच में, लेकिन जो ग्लेन मैक्सवेल को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि उनका जो परफॉर्मेंस है ना, कभी ऊपर कभी नीचे रहता है, तो अगर आप इन्हें कैप्टन बना रहे हैं तो ग्रैंड लीग में जरूर बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी रिस्क पर खेल रहे होंगे, मेरे हिसाब से सेफ कैप्टन रखें आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और गेंदबाजों में हर्षल पटेल ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन उन्हें कैप्टन मत रखेगा, चाहे तो वाइस कैप्टन रखेगा, क्योंकि अगर 2 ही विकेट लें या 1 ही विकेट लें तो आपको उतने पॉइंट्स डबल या 1.5 नहीं मिलेंगे। तो ये थी हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन के सजेशंस, आप बिल्कुल हमारे फैंटेसी गली के वेबसाइट और ऐप पे जा सकते हैं। अब आते हैं हमारे कॉन्टेस्ट के सेक्शन पर, तो दोस्तों कॉन्टेस्ट की अगर हम बात करें तो अगर आप फैंटेसी गली का वेबसाइट पे जाएंगे या फिर ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर इस मैच के मैच सेंटर में जाएंगे या किसी भी मैच के मैच सेंटर में जाइए, तो आपको वहां पर एक सेक्शन मिलेगा कॉन्टेस्ट, जहां पर फैंटेसी आपके लिए रुके हैं एक बड़ी स्माइल के साथ, आप उन्हें यहाँ से वहां, वहां से यहाँ स्क्रोल कीजिए, बदलते रंग के साथ आपको कॉन्टेस्ट भी बदलते हुए नजर आएंगे, और उसी हिसाब से आपको ये भी बताया जाएगा कि आप कितने प्रतिशत यूजर्स को हरा सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपना फायदा कर लीजिएगा, अपनी रिस्क एपेटाइट और बजट को जरूर पहचानिएगा, और उसी हिसाब से
खेलेगा, यूं ही ऐसी ग्रैंड लीग में पार्टिसिपेट ना करें। अगर आप नए हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप हेड टू हेड ही ज्यादा खेलें और एट द मोस्ट लो रिस्क वाले टीम्स कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करें, ताकि आपको नुकसान अगर हो तो बहुत ज्यादा ना हो। तो दोस्तों ये थी हमारी इस पर्टिकुलर मैच की सारा का सारा लेखा जोखा। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं YouTube पर, थैंक यू वेरी वेरी मच। लेकिन प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो बने आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक फैंटेसी गली का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर में हमारा ऐप आ चुका है, आप प्लीज वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप प्लीज उस लिंक से अपनी सहायता कर लीजिए। फैंटेसी गली का ऐप डाउनलोड करने का एक फायदा है कि जैसे ही फाइनल टीम्स अनाउंस होते हैं टॉस के बाद हमारे स्कोरर्स द्वारा अपडेट किए जाते हैं तो एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि फाइनल टीम्स अपडेटेड, यानी आपके पास 22 प्लेयर्स होंगे जिनमें से आपको 11 की टीम बनानी है और 22 के 22 मैच में खेल रहे होंगे। अगर आप टॉस के पहले आएंगे तो आपको 40 प्लेयर्स के ऑप्शन रहेंगे, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा ये कुछ पता नहीं, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन आपकी सहायता जरूर करेगा। चलिए दैट्स ऑल, मैं कार्तिक अय्यर अपने पूरे फैंटेसी गली टीम की ओर से आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं सबसे पहले, और उम्मीद करता हूं आप ज्यादा से ज्यादा जीते जब आप फैंटेसी में इस मैच खेलें। नमस्कार।